मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को दोबारा लागू करने को लेकर बयान दिया है। उनके बयान के बाद से वह भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। उनके इस बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से क्लब हाउस में पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में धारा 370 के बारे में जो टिप्पणी की है वह देशद्रोही की श्रेणी में आता है और उन्होंने इस तरह का बयान देकर देश के साथ गद्दारी की है। करो दिग्विजय सिंह, तुम कहते हो कि 370 फिर से लागू करोगे, पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर क्लब हाउस में ये विचार दिग्विजय सिंह व्यक्त कर रहे हैं। अरे आपके पुरखे भी आ जाए, कांग्रेस के पुरखे भी आ जाए, तो अब धारा 370 कश्मीर में लागू नहीं होगी। हो सकता है जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की हो कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाए, पर ध्यान रखो हिंदुस्तान का अंग था कश्मीर, हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा कश्मीर। ऐसे दिग्विजय सिंह जैसे सैकड़ों नेता आ जाए पर हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकते। लगातार दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेताओं ने हिंदुस्तान को बदनाम करने, हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास किया है, पर ध्यान रखें आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब देशद्रोही इस देश में कभी भी पनप नहीं सकते। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह का ये बयान गद्दारी है इस देश के साथ, दिग्विजय सिंह का बयान देशद्रोह है इस देश के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के वो नेता जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह और वो नेता जो चाइना परस्ती की बात करते हैं, उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए उनके बयान को भारतीय जनता पार्टी द्वारा ध्यान भटकाने की राजनीति बताया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जनता का भरोसा खो चुकी है, इसीलिए वो हताश है, निराश है, तभी आज भाजपा दिग्विजय सिंह जी के बयान का गलत मतलब के साथ प्रचार कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का। बात दिग्विजय सिंह जी का बयान अंग्रेजी में है, शायद भाजपा के बहुत से मित्रों को सही से समझ में नहीं आया है, इसीलिए वो भ्रम फैला रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयान में कहीं नहीं कहा है कि वो 370 को दोबारा लागू करवाएंगे, ये बात बिल्कुल झूठ है। दिग्विजय सिंह जी ने कोई पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर यह बात नहीं कही, बल्कि भारतीय प्लेटफॉर्म पर भारतीय लोगों द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में कही। उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह जी का कहना था कि जिन हालात में, जिन परिस्थितियों में 370 को हटाया गया वो ठीक नहीं थी, उनको वहां पर विधानसभा होनी चाहिए थी, विधानसभा के साथ मिलकर ये करना चाहिए था, वहां विधानसभा भंग कर दी गई थी, वहां के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था या जेल में डाल दिया गया था, ये परिस्थितियां ठीक नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी यही कहा था पार्लियामेंट में भी कि वहां के लोगों को साथ में लेकर यह करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अभी तक इतने सालों में 370 को कम से कम करके लाके खड़ा किया था। तो ये सारी की सारी चीजें भाजपा भ्रम फैलाने का काम कर रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि आज एक खबर छपी है कि मध्य प्रदेश में 1,70,000 मौतें हुई हैं कोरोना की, यह आकलन है लोगों का। तो इसी वजह से आज कोई मुद्दा चाहिए जिससे कि भाजपा की नाकामी से लोगों का ध्यान हट जाए, जिसके लिए वो एक पूरे झूठ का सहारा ले रहे हैं जो निंदनीय है और घोर बड़ा अपराध है। इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए पूरी भाजपा को। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।